अब मैं थोड़ा हिंदी में संगठन के बारे में बोलना चाहता हूं। आपने मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये पार्टी कहलाती है, मगर सचमुच में ये एक परिवार है। इस बात को आप मानते हैं? ये हिंदुस्तान का, शायद दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है और इसमें, हिंदुस्तान में सब लोग अंदर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, बदलाव की जरूरत है या नहीं है? तेजी से बदलाव की जरूरत है, मगर सोच समझ के बदलाव की जरूरत है और सबको एक साथ लेकर बदलाव की बात करनी है और बदलाव लाना है। राजनीति में मैं अब 8-9 साल से हूं और मैं एक बात समझा हूं, काम करना है, सोच समझ के करना है, गहराई से करना है और जल्दी से नहीं करना है। बदलाव हो तो लंबे तौर पे हो और गहराई से हो। एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बदलाव की बात आपने कही, नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है, ये इलेक्शन कैसे जीतता है, ये बाकी पार्टियों को खत्म कैसे कर देता है। समझ नहीं आती है बात, मगर इलेक्शन के बाद धड़ाक से कांग्रेस पार्टी जीत गई। वर्कर खड़ा हो गया, नेता खड़े हो गए। शीला जी मुझे कह रही थी कि भैया पता नहीं क्या होता है, इलेक्शन के पहले सब खड़े हो जाते हैं और धड़ाके से लड़ जाते हैं। ये गांधी जी का संगठन है, इसमें हिंदुस्तान का DNA भरा हुआ है। बाकी संगठन और जो हमारे विपक्ष के हैं, जो हमारे विपक्ष के हैं, वो समझते नहीं है इस बात को। वो देखते हैं, वो कहते हैं भैया ये हो क्या रहा है, ये क्या कह रहे हैं लोग। कोई कहता है भैया मैं किसी एक जात की पार्टी हूं, कोई कहता है मैं किसी एक धर्म की पार्टी हूं, और कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो DNA हिंदुस्तान की है। हम ना जात पहचानते हैं ना धर्म पहचानते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तान की DNA पहचानते हैं, सबके सब हैं इसमें।